कैसी लगी मूवी? अच्छा था। क्या अच्छा लगा फिल्म के बाद? मेरे को सिलिन मोफी का एक्टिंग बहुत अच्छा लगा। एक्शन सीन कैसे लगे? हाँ, एक्शन सीन कैसे लगे? एक्शन सीन भी बहुत अच्छा था, बढ़िया था, सिनेमैटिक्स अच्छा था, एडिटिंग बहुत अच्छे तरह के मूवी बनाया। फाइव में से फोर। सर आपको कैसी लगी? अच्छा था, बहुत अच्छा था मूवी, वो सब एक्शन सीक्वेंसेस बहुत अच्छा था। कुछ सीखने को मिला मूवी से आपको? हाँ, कोई चीज़ सीखने को मिला आपको? हाँ, सीखने को मिला कैसे हाइड्रोजन यूज़ किया न्यूक्लियर बॉम्ब में, द इम्प्लिकेशंस जो था बॉम्ब का। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा था, सूटेबल था टू द मूवी। कितना रेटिंग देगा फाइव आउट ऑफ 5? 5 out of 6। पब्लिक को पसंद आएगी, क्या लगता है आपको? बहुत पसंद आएगा सबको मूवी आपको? हाँ, बहुत अच्छी यार, बहुत। क्या अच्छा लगा आपको मूवी में अगर बात करें तो? सबसे बड़ा तो मैं क्रिस्टोफर नोलन का फ़ैन हूँ, तो मैं तो उनके लिए आया था देखने के लिए जी। और मतलब विजुअली और जैसा कि हम जानते हैं क्रिस्टोफर नोलन के बारे में जी, उनकी मूवी मेकिंग स्टाइल और IMAX पे शूट हुआ है, IMAX कैमरे से, ब्लैक एंड वाइट कैमरे से, और ओपेनहाइमर के बारे में बायोग्राफी है, तो अच्छी लगी मूवी, काफ़ी अच्छी मूवी है। पब्लिक को पसंद आई, क्या लगता है? ये जो मास मसाला आजकल मूवी चल रही है, जैसे शाहरुख की जवान आने वाली है या वैसी फिल्में या साउथ की जैसी फिल्में आती हैं, अगर वो जो मूवी देखता है उसको तो पसंद नहीं आएगी, मतलब उस लेवल पे पसंद नहीं आएगी। लेकिन जो सिनेमा देखते हैं, जो क्लासिक मूवीज़ देखता है, हॉलीवुड क्लासिक्स और सिनेमा को अप्रिशिएट करने वाला जो है उसको पसंद आएगी। और जो पर्टिकुलरली क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज़ देखता है, उसके बारे में जानता है कि क्रिस्टोफर नोलन कैसी मूवी बनाता है, उसको अच्छी लगेगी ये। मतलब पर्टिकुलर जो ऑलरेडी क्रिस्टोफर नोलन के बारे में जानता है या हॉलीवुड मूवी की क्लासिकल मूवीज़ देखता हो, वैसे लोगों के लिए है ये। मास मसाला, सलार, KGF और ये जो उस टाइप की जो मूवी देखता है उसके लिए, मतलब उसको उतना पसंद नहीं आया। कुछ सीखने वाली मूवी है इससे? हाँ, सीखना है, प्लस सिनेमा, जिसको सिनेमा से प्यार है एक्चुअल, मतलब जो सिनेमा मूवी मेकिंग क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज़, तो मतलब ओवरऑल मूवी मेरे लिए तो बेस्ट है। कितना रेटिंग देगा फाइव आउट ऑफ 4.5? सर आपको कैसी लगी? ग्रेट, अच्छी है। क्या अच्छी लगी मूवी? ओपेनहाइमर के बारे में जानने को मिला। यस, पब्लिक को पसंद आई, क्या लगा? पब्लिक को पसंद है बिल्कुल, है पूरा ओवरऑल फुल था सीट। कितना रेटिंग देगा फाइव आउट ऑफ 5 में? 45। थैंक्स। सब लोगों का परफॉर्मेंस कैसा लगा आपको? What do you expect? It is a Christopher Nolan movie. Public को पसंद आई, क्या लगता है आपको? Yeah, it is good. You can ask. Those are coming behind. 5. Christopher Nolan जिंदाबाद, सच बोल रहा हूँ। क्या बनाया है मैंने? कुछ सीखने को मिला? अरे बहुत कुछ सीखने को मिला। फिल्म मेकिंग क्या होती है, क्या चीज़ होती है, मुझे लगता है कि उस लेवल का डायरेक्टर यहाँ पे चाहिए, बॉलीवुड में चाहिए। मतलब क्या है, मतलब क्रिस्टोफर नोलन, मतलब वी वांट डायरेक्टर लाइक क्रिस्टोफर नोलन, मार्टिन स्कॉर्सेसी, क्विंटिन टारेंटिनो, जेम्स कैमरॉन, ऐसे डायरेक्टर राइटर चाहिए यहाँ पे, तभी इस तरह की फिल्में बन सकती है। जबरदस्त, बहुत ज़बरदस्त यार, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। सिनेमाटोग्राफी होइटेमा, ग्रेट ग्रेट लेजेंडरी DOP है वो हॉलीवुड के। खाली परफॉर्मेंस की बात करें तो किलियन मर्फी, रॉबर्ट डाउनी, सब जितने भी आर्टिस्ट हैं ना, सब ने बहुत बढ़िया काम किया भाई, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे जितने भी लोग थे, खाली एक इंसान के लिए आए थे, ओनली वन मैन, क्रिस्टोफर नोलन। वन डायरेक्टर इज मोर पॉपुलर दैन एक्टर, नो वन कैन बीट हिज ऑरा बिकॉज ऑफ क्रिस्टोफर नोलन, ओनली क्रिस्टोफर नोलन। थैंक यू। रेटिंग रेटिंग क्या है? मेरी औकात नहीं है रेटिंग, क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म है, मेरी किसी की औकात नहीं है रेटिंग देने की।